में यूपी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। मैनपुरी में भारत समाचार से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां यानी भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। सर, कल जो है एग्जाम है, कह सकते हैं कि पार्टी का क्या तैयारी है? सर, तैयारी पूरी है और पूरा प्रयास है कि भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके। इसके लिए कुछ सुझाव थे, कुछ शिकायतें थी, उनको लेकर हम प्रेक्षक जो भी यहाँ आए हैं भारत निर्वाचन आयोग उनसे मिलने गए थे। तमाम शिकायतें हैं दारू बांटने की, तमाम शिकायतें हैं पैसा बांटने की, तमाम ऐसी जो अवांछित तत्व खुलेआम घूम के लोगों को धमकी देते घूम रहे हैं, तमाम ऐसे एलिमेंट जिनके न्यायालय से जो वांछित हैं, जिनके खिलाफ बिना जमानती वारंट है, वो भी क्षेत्र में घूमने का काम कर रहे हैं। उन सब बिंदुओं को लेकर के प्रेक्षक लोगों से हम लोग मिले थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने उन्हें अवगत कराया, गंभीरता से उन्हें सुना है। और मैं समझता हूँ कि भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए काम करेगा। सर, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, को जिनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये पूरा चुनाव संपन्न हो और हमें विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही ऐतिहासिक जीत होगी। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अम्बरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। और आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है जो